सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम ने पैसों के लिए किसी की भी हत्या करने वाले एक शातिर और खूनखार कॉन्ट्रैक्ट किलर को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। इससे पहले पुलिस ने इसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार बदमाश इतने खतरनाक थे कि हमेशा अपने साथ लोडेड हथियार रखते थे और खतरा लगने पर यह बदमाश आम आदमी हो या पुलिस टीम किसी पर भी गोली चलाने में नहीं चूकते थे। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्ट किलर 14 मार्च को थाना गांधीनगर इलाके के ओल्ड सीलमपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक फातिमा उर्फ सुनीता नामक महिला की गोली मारकर हत्या करके फरार हो गए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने सुपारी लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहनकर व फर्जी नंबर प्लेट की बाइक पर आकर वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन शाहदरा स्पेशल स्टाफ बदमाशों से चार कदम आगे निकला और बदमाशों की बाइक पर लगे मामूली डेंट की मदद से 14 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बदमाशों को धर दबोचा। कॉन्ट्रैक्ट किलरों की पहचान 30 वर्षीय शौकीन खान व 22 वर्षीय जीशान के रूप में हुई है। दोनों डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा व 14 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। डीसीपी शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने बताया कि दिनांक 14 मार्च 2022 की सुबह लगभग 10 बजे मकान नंबर 9/4792 गली नंबर 8 ओल्ड सीलमपुर दिल्ली में अपने परिवार से अलग होकर किराए के घर में रहने वाली फातिमा उर्फ सुनीता नाम की एक महिला को दो लोग गोली मारकर फरार हो गए थे। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। 14 मार्च को हमें गांधीनगर इलाके में एक गोली चलने की वारदात की खबर मिली और जब वहां टीम पहुंची और तो जो विक्टिम थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनको दो बुलेट इंजरी और एक दो पिस्टल की इंजरी और एक कट्टे की इंजरी थी। 3 बुलेट इंजरी थी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहाँ ब्लड डेड उनको घोषित किया गया। कर में FIR संख्या 183/22 धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। डीसीपी शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने बदमाशों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए दो टीमों का गठन किया। पहली टीम महेंद्र सिंह ACP ऑपरेशंस की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विकास कुमार इंचार्ज स्पेशल स्टाफ शाहदरा के नेतृत्व में SI विनीत प्रशांत, हेड कांस्टेबल राहुल, सुधीर, सर्वेश, सिद्धार्थ, राजीव, अनुज, सचिन, राजेश, कांस्टेबल नितिन, विपिन, हरकेश, जगमोहन व कुलदीप और दूसरी टीम श्रीमती चंद्रकांता ACP गांधीनगर की सुपरविजन व SHO गांधीनगर के नेतृत्व में SI विकास, हेड कांस्टेबल श्यामवीर, कांस्टेबल धर्मेंद्र और विनीत की बनाई गई। स्पेशल स्टाफ शाहदरा इंस्पेक्टर विकास कुमार की टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो पता चला कि दो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज को टीम ने बारीकी से स्कैन किया तो देखा कि चेहरे पर कपड़ा लपेटे और हाथ में हेलमेट लिए एक व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आता है और हेलमेट पहनने के बाद वहां मौजूद लोगों को भगाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान हेलमेट पहने व्यक्ति का एक और साथी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं आता और आधी सीढ़ियों से ही वापस हो जाता है। हेलमेट पहना व्यक्ति वहां किराए पर रहने वाली फातिमा उर्फ सुनीता नामक महिला पर एक एक करके 3 राउंड फायरिंग करता है और नीचे बाइक लेकर खड़े अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। CCTV फुटेज में बाइक का नंबर तो क्लियर आ गया था, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आए थे। वारदात में फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक और हेलमेट व कपड़े से चेहरा ढका होने से बदमाशों की पहचान करना स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम के लिए अपने आप में चैलेंज था। क्राइम सीन से मिले CCTV फुटेज को बारीकी से स्कैन करने पर जांच टीम ने देखा कि बदमाश फातिमा उर्फ सुनीता को गोली मारने के बाद उसका मोबाइल छीनकर अपने साथ लेकर फरार हो जाता है। स्पेशल स्टाफ शाहदरा के अनुभवी और तेजतर्रार इंस्पेक्टर विकास कुमार ने बदमाश की इस हरकत से अंदाजा लगाया कि यह मर्डर किसी लूट के इरादे से नहीं किया गया है। मृतक महिला के मोबाइल में किसी वीडियो, फोटो या कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से मर्डर के बाद बदमाश फोन को अपने साथ लेकर गया है। इंस्पेक्टर विकास कुमार ने लूट व डकैती की वजह से मर्डर को रूल आउट करके मृतका के पर्सनल एंगल को खंगालना शुरू कर दिया। टीम ने मृतका के परिवारजनों, दोस्तों व रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। बदमाशों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए वारदात में भले ही फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक इस्तेमाल की हो, लेकिन स्पेशल स्टाफ शाहदरा की टीम बदमाशों से 4 कदम आगे निकली और CCTV में कैद बदमाशों की बाइक को बारीकी से स्कैन करके बाइक पर लगे मामूली डेंट को पहचान बनाकर क्राइम सीन से CCTV खंगालते डासना गाजियाबाद तक पहुंच गई। वहां कई सारे क्लूज इकट्ठे किए गए। CCTV से हमें कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले
और उसके बाद कई सारे नंबर्स की CDR को भी खंगाला गया, और इन सब चीज़ों को खंगालते खंगालते हम इन अक्यूज तक पहुंचे, और जिनका संबंध डासना विलेज से था। होटल स्टाफ की एक टीम ने डासना गाजियाबाद की सभी कॉलोनी, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गली, चौक चौराहों पर घूम घूम कर मामूली डेंट वाली बाइक को खोजना शुरू कर दिया। एक तो सबसे अच्छी बात है ना, वे दे फॉलो CCTV कैमरास ना, मतलब आंखें हो जाती थी कितनी बार टीवी देखेगा। तो अभी भी करें डासना पे पहुंचे तो फॉलो करते करते एंड देन यू नो रियली गुड, जो वो डेडिकेशन है इनके अंदर की नहीं लगे रहना है, फिर गुलाब बुला के लाओ, फिर हवा होता है ना, दिल छोटा होता है कि बेचारा ये करा था कुछ नहीं निकला, फिर लग जाओ, वेरी मतलब टाइम कंज्यूमिंग। फिर लोग देखो नींद पूरी नहीं होती, घर नहीं जा रहे। स्टाफ की दूसरी टीम ने डासना गाजियाबाद और क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डंप डाटा निकालकर स्कैन किया। डंप डाटा को बारीकी से स्कैन करने पर जांच टीम को पता चला कि मृतका की खास फ्रेंड मधु उर्फ पंजाबन डासना गाजियाबाद के एक मोबाइल नंबर से लगातार संपर्क में थी, लेकिन मधु उर्फ पंजाबन का वारदात वाले दिन से ही मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। टीम ने मधु उर्फ पंजाबन पर मोबाइल सर्विलांस से नजर रखनी शुरू कर दी। टीम ने सस्पेक्ट मधु उर्फ पंजाबन की कॉल रिकॉर्ड खंगाली तो एक सस्पेक्ट नंबर मिला, जो कि वारदात वाले दिन क्राइम सीन के मोबाइल टॉवर की रेंज में एक्टिव था। सस्पेक्ट नंबर की लोकेशन आनंद विहार इलाके से आ रही थी। टीम ने सस्पेक्ट मोबाइल की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक करके जीशान नामक व्यक्ति को आनंद विहार इलाके से दबोच लिया। गिरफ्तार जीशान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी शौकीन के साथ मिलकर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। उसने बताया कि शौकीन सुपारी की आधी रकम उसे देने के लिए गांधीनगर पुश्ता रोड पर आएगा। स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर विकास कुमार ने अपनी टीम के साथ गांधीनगर पुश्ता रोड पर अपना जाल बिछाया। जब मोटरसाइकिल सवार बदमाश वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर गया। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो उसने पिस्टल से गोलियां चला दी। एक गोली इंस्पेक्टर विकास कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी, जबकि एक गोली पुलिस बैरिकेड पर लगी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, एक गोली शौकीन की टांग में जा लगी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर गया, जिसके बाद टीम ने उसे दबोच लिया। और वो एक महिला रीना और पंजाबन के माध्यम से इस पिक्चर में आए, और पंजाबन जो महिला है जिसका नाम मधु एलियास आरती है, उसने इनको हायर किया था इस क्राइम को अंजाम देने के लिए। 1,00,000 रुपये में उनको हायर किया था, जिसको भी उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में देना था, 1 इंस्टॉलमेंट वो दे चुके थे। आरोपियों से जो आर्म्स बरामद हुए, 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 13 लाइव राउंड, और जो क्राइम में यूज हुई है मोटरसाइकिल और उनके पहने हुए कपड़े बरामद हुए, और ये वेपन उन्होंने मेरठ में कहीं से लिए थे, उस पर अभी हम फर्दर काम कर रहे हैं। पुलिस को पता चला है मृतक फातिमा और मधु एक ही जगह काम करती थी, दोनों एक दूसरे की परिचित थी। मधु के पास अच्छी खासी संपत्ति है। मधु का इकलौता बेटा है जिसने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही वो अपनी माँ से अलग रह रहा है। किसी ने मधु को सूचना दी कि मृतक फातिमा उसके बेटे के करीब आकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहती है। मधु जानती थी कि फातिमा के कई बदमाशों के साथ उठ बैठ है, संपत्ति के लिए वो उसकी हत्या भी करवा सकती है। मधु ने पूरा मामला अपनी दोस्त रानी उर्फ रेशमा को बताया। रेशमा ने उससे कहा कि वो अपने प्रेमी शौकीन से कहकर फातिमा की हत्या करवा देगी। रानी ने शौकीन को मधु से मिलवाया। मधु ने बदमाशों को 1,50,000 रुपए की सुपारी दी। पुलिस रिमांड पर आरोपी शौकीन ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने अपनी प्रेमिका रानी के पति अरविंद की अक्टूबर 2021 में हत्या की थी। अरविंद भजनपुरा में रहता था। शौकीन ने पहले उसे अगवा किया था, इसके बाद गला घोंटकर गाजियाबाद में उसका शव ठिकाने लगा दिया था। 16 अक्टूबर 2021 को अरविंद के परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शौकीन की गिरफ्तारी से पुलिस ने अरविंद की हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलर 30 वर्षीय शौकीन खान पुत्र जाफरुद्दीन शादीशुदा और 5 बच्चों का बाप है। यह गौ तस्करी में 2 बार गिरफ्तार भी हो चुका है। दूसरा आरोपी 22 वर्षीय जीशान पुत्र इकबाल एक कंपनी में लेबर का काम करता है। दोनों कुरिसिया मोहल्ला वार्ड नंबर 8 डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर
तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या। कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।